अरे क्या करें, ये मोबाइल से तो मेरा परेशानी बढ़ गई है। ये मेरा बेटा दिन भर मोबाइल में बैठा रहता है, पता नहीं क्या करता है। व्हाट्सएप देखता है, फेसबुक देखता है, स्नैपचैट देखता है, पता नहीं क्या करता है। बोलता है पढ़ाई कर रहा हूँ। आजकल के ऑनलाइन के हिसाब से तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, बहुत टेंशन हो रखा है। ऑनलाइन क्लासेस में भी यही होता है कि आप मोबाइल के थ्रू, अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो पढ़ो। मोबाइल तो आजकल जी का जंजाल हो चुका है। बच्चे का 8th 9th 10th के एग्ज़ाम्स है, उसमें वो दिन भर मोबाइल पे लगा रहेगा। गेम्स, अगर आप 1-1 घंटा अगर गेम्स को दो, स्नैपचैट को दो, फेसबुक को दो, पबजी को दो, और पता नहीं क्या क्या चीज़ को दोगे, तो आपके तो होश उड़ जाएंगे। माने आपके 5-7 घंटा तो ऐसे ही बच्चा मोबाइल पे ही रहेगा, निम्न लिमिट से। और आप जब पढ़ाई होगा वो अलग। समझ में नहीं आ रहा क्या करें, बहुत परेशानी है। जी हाँ, सेम परेशानी, सेम तरह की चीज़ें बहुत जन को होती है। सारे पेरेंट्स इससे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मोबाइल ले नहीं सकते बच्चों से, मोबाइल देना ज़रूरी है। आज के दिन में मोबाइल बिना काम चलता नहीं, तो करे तो क्या करे। इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, ताकि आपको और अन्य अलग पेरेंट्स को, सबको फ़ायदा हो। और उसमें क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता है, पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो के ट्यूटोरियल में देखिएगा। मैं गारंटी देता हूँ, मुझे बेनिफिट मिला है कि मैं अपने बच्चे के मोबाइल यूजिंग में टैप कर सका हूँ, और आप भी टैप कर पाएंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि लोगों को बेनिफिट पहुँच सके। बाय। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और खूब फ़ायदा उठाते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसमें मैंने एक एक इस ऐप की सेटिंग बताई भी है, जो कि आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये मेरे मोबाइल का स्क्रीन है, मैंने चालू किया फैमिली ऐप, उसमें मेरे बेटे का नाम लिखा है। व्यू कर सकते हैं, फिर हम देखेंगे अंदर क्या क्या है। मोबाइल मैंने सेटिंग में जाएंगे, कंट्रोल और गूगल प्ले पहले देखेंगे, उसमें देखेंगे रिक्वायर्ड अप्रूवल फॉर, उसमें देखेंगे क्या क्या परचेज अप्रूवल दे सकते हैं। ओनली इन ऐप परचेज में मैंने उसको अप्रूव कर रखा है। अब हम देखेंगे पीछे कि ऐप्स एंड गेम्स क्या ले सकते हैं, वो भी उसमें रिस्ट्रिक्शन दे सकते हैं। 3+7+12+16+18+ ही गेम खेल सकता है, मैंने अलाउ कर रखा है सब। अब हम देखेंगे मूवी के लिए, मूवी में जाएंगे, यू यू ए ए बी ये सब रिस्ट्रिक्शंस। बुक्स में देखेंगे, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट बुक्स नॉट अलाउड। अब जाएंगे फिल्टर ऑन गूगल क्रोम, इसमें ट्राई टू ब्लॉक मैच्योर साइट, जैसे अडल्ट साइट या फिर पॉर्न साइट्स नहीं खुले, उसके लिए हमने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है, उसके मोबाइल ऐप में क्रोम में नहीं खुलेगा। अब हम जाएंगे फिल्टर ऑन गूगल सर्च, अब उसमें देखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं। सेफ सर्च, माने उसमें कोई सेफ सर्च है, कोई उल्टी सीधी चीज़ें ना आए, ये भी हम देख सकते हैं। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगा एज ए फैमिली ऐप। जो सिंगल वाला है वो आपको यूज़ करना है, डबल वाला आपके बच्चे के लिए है। अब आप जाओगे यूट्यूब सर्च पे, यूट्यूब सर्च में भी उसमें ये है कि आप उसमें रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि बच्चा कोई अनवांटेड वीडियो ना देखे, तो उसमें भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, ताकि उसको कोई ऐसा चीज़ ना दिखे, ताकि जो आप नहीं दिखाना चाहते हैं। तो ये भी इसमें अवेलेबल है, इसका भी आप पूरी रूप से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब जो पार्ट है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अगर इसको आप ध्यान से देखिएगा। अब ये मैंने जो एप्लीकेशन एक्टिविटी है उसके बारे में खोला है, आप देख सकते हैं एक्टिविटी क्या, बच्चे का दिन भर में कितने देर मोबाइल में, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर और स्नैपचैट, गूगल, गूगल क्रोम, क्या क्या खोला है, क्या क्या नहीं खोला है, उसमें कितने देर उसने देखा है, ये सब कुछ इसमें एग्जैक्टली टाइम वाइज दिखाएगा। यस्टरडे उसने कितना देर देखा, लास्ट 7 डेज में उसकी एक्टिविटी इन सब एप्लीकेशंस में कितनी रही, कितनी नहीं रही, उसकी लास्ट 30 डेज की एक्टिविटी का पूरा आवाज़ आ जाएगा कि वो कितने देर तक इस सब एप्लीकेशंस में अपना टाइम स्पेंड किया है। आप एनालाइज कर सकते हैं, आप लिमिट डाल सकते हैं इसमें, कैसे कैसे लिमिट डाल सकते हैं, आप इसमें ब्लॉक कर सकते हैं। जैसे इसमें आम जेड करके जो ऐप है उसको मैंने ब्लॉक किया हुआ है, और बाकी और सबको मैंने चालू रखा है, क्योंकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैमरा, कैलेंडर ये सब में। फिर मैंने ये क्लैश ऑफ क्लैन जो है वो लॉक किया हुआ है, कुछ डेली हंट वो भी लॉक किया हुआ है, ऐसे कई एप्लीकेशन है मैंने लॉक किए हुए हैं, और ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जिसमें मैंने टाइम लिमिट डाला हुआ है कि अभी
वो इतनी देर देख सकता है, इतनी देर नहीं देख सकता, बिकॉज उसके भी एग्ज़ाम टाइम चल रहे हैं। अब जैसे मैंने इसमें अभी टाइम लिमिट डाल दिया, वो उतनी देर चलेगा दिन भर में 24 घंटे में, उसके बाद वो अपने आप बंद हो जाएगा। ही वॉन्ट एबल टू एक्सेस दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन बियॉन्ड दैट लिमिट। तो इस तरीके से आप काफ़ी चीज़ को सुपरवाइज कर सकते हो, अकाउंट सप्रेशंस और भी सारी डिटेल्स है। फिर सेट योर चाइल्ड लोकेशन, आपको लोकेशन सेट कर सकते हो, कहाँ पर है क्या नहीं है आपको पता चल जाएगा, ये डिटेल्स है आपके बच्चे की, पूरी डिटेल्स मिल पता चल जाएगी। अबाउट सुपरविजन, आप क्या सुपरवाइज कर सकते हो अपने बच्चे के मोबाइल पे, आप अकाउंट सेटिंग्स है, कंट्रोल है, फिर स्क्रीन टाइम ऑन सुपरवाइज डिवाइस, गूगल क्रोम सर्च एंड प्ले फाइल्स, ये सब चीज़ें काफ़ी आपके काम की है। आप जब और इसको यूज़ करना चालू करोगे तो आपको पता चलेगा गूगल सर्च इंजन में आपको मिल ही जाता है, या आप देखोगे ये गूगल का ही एक ऐप है जो कि आपको शायद बहुत लोगों को नहीं पता। अभी देखिए इसमें लोकेशन है क्या, लास्ट लोकेशन कितने बजे कहाँ क्या है बच्चा, वो आपको इसमें देखना हो तो पता चल जाएगा। बच्चा कहीं भी कुछ भी आपसे हाइड नहीं कर सकता। आप प्रॉपरली इसमें आप स्क्रीन टाइम को आप उसमें प्रॉपर सेट कर सकते हो कि आपको क्या स्क्रीन टाइम बच्चे के लिए चाहिए, आपका बच्चा कितने दिन भर में कितने घंटे, अगर ये यूज़ कर लोगे कितना। जैसे आप देखिए शेड्यूल अभी था 3 आवर्स लिखा हुआ हर दिन, ठीक है। फिर आप बेड टाइम सेट कर सकते हो कि इतनी बजे आप बेड टाइम है, माने इसके बाद मोबाइल यूज़ ही नहीं कर सकता 9 से 7 बजे तक, तो वो मोबाइल यूज़ ही नहीं कर पाएगा। आप लॉक कर सकते हो, आपको चाहिए आप डिस्कार्ड कर दो, आप पर्टिकुलर डे पर्टिकुलर टाइम सेट कर सकते हो। और क्या आपको सुपरवाइज करने के लिए चाहिए, सब कुछ आप इसमें से कंट्रोल कर सकते हो। गेम्स एप्लीकेशंस किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो वो आप इसमें कंट्रोल करो। एग्ज़ाम का टाइम है पूरा मोबाइल लॉक कर दो, जब व्हाट्सएप चाहिए तो व्हाट्सएप यूज़ कर सकता है बच्चा। बस ये चीज़ जो आपकी ज़रूरत है, पढ़ाई के समय आपको कोई एप्लीकेशन की ज़रूरत हो उस समय वो चीज़ यूज़ कर सकता है। तो ये सब, जैसे अभी मोबाइल खो गया तो हम यहाँ पर प्ले साउंड करके दबाएंगे तो इसका मोबाइल कहीं भी हो वो आवाज़ करेगा, टा 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 टा, ये रिंग बजेगी, आपको पता चल जाएगा मोबाइल कहाँ पर है। तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है, मैंने यूज़ किया, काफ़ी अच्छा लगा। बस मोबाइल साइलेंट मोड भी नहीं हो और मोबाइल का लोकेशन उनका हरदम ऑन रहे, ये आपको हरदम ध्यान रखना है, कहीं वो लोकेशन ऑफ गलती से ना कर दे। और साइलेंट मोड में भी बच्चे रखते हैं तो वो भी आप साइलेंट मोड पे ना रखे, बच्चा वो ध्यान रखे। तो इन सब बातों से हमें काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा बच्चों के ऊपर मोबाइल यूज़ करने के, टैपिंग करने में। अभी हम जब लोकेशन करते हैं तो उसमें भी सेटिंग्स में आता है क्या करना है, तो हाई एक्यूरेसी पे ये सब सेटिंग्स है, ये सब कई चीज़ें हैं। और भी आप अंदर जाओगे तो कुछ डिटेल्स और भी मिलेगी। ऐप परमिशंस है, जैसे आप क्या क्या चीज़ को परमिशंस आप ही कंट्रोल कर सकते हो बच्चे के मोबाइल को, माइक्रोफोन फ़ोन SMS डेली से, माने आपके हाथ में उसके मोबाइल का पूरा कंट्रोल है। अगर वो लॉगिन किया कोई दूसरा अकाउंट जीमेल से तो भी आपका परमिशन, आपके परमिशन के बिना वो लॉगिन नहीं कर सकता, कोई दूसरा नया अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता। हर चीज़ में उसको आपकी परमिशन ज़्यादा चाहिए रहेगी अगर आप उसको कंट्रोल करके रखोगे तो, और नहीं तो कुछ भी नहीं। क्योंकि अगर जैसे मेरे बच्चे ने सैमसंग का वो ब्राउज़र यूज़ करने की एक बार सोचा था पर मैंने उसको लॉक कर दिया था, अब सैमसंग का ब्राउज़र यूज़ ही नहीं कर पाता। तो इस तरीके से काफ़ी कुछ कंट्रोल करने लायक है, आप यूज़ करते करते आपको ही पता चल जाएगा अब क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना है। ये सब जितने भी डिटेल्स है ये सब मैंने किए हैं, SMS फ़ोन स्टोरेज, माने क्या चाहिए आपको। और मुझे तो ये एप्लीकेशन बहुत पसंद आया और मैं सोचा कि आप लोग के साथ शेयर जरूर करना चाहिए ताकि सभी पेरेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। जी कि ये सब चीज़ें डिटेल लिखी भी है, इससे अगर आप ये करोगे तो आप अलाउ कर दोगे तो बच्चा ये सब चीज़ देख पाएगा, पूरा डिटेल में लिखा हुआ आएगा कि, और इसी तरह सेकेंड में भी है कि अगर आप ये चीज़ अलाउ कर दोगे तो आप बच्चा ये सब चीज़ कर पाएगा जो कि आप नहीं चाहोगे शायद कि आपको करना है, तो इसलिए आप अलाउ मत करो। ये भी वो चीज़ वो अलर्ट देता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो वो भी आपको पॉपअप मैसेज
सेंड कर रहा है। तो मुझे लगता है ये एप्लीकेशन बहुत यूज़फुल है। बहुत लोगों को पता है कि नहीं, क्योंकि इतने डाउनलोड्स नहीं है। मेरे बच्चे के सैमसंग मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट आया था, इसलिए मुझे पता है। ये सब उसके अदर प्राइवेसी पॉलिसीज़ है, वो आप पढ़ लीजिए। काफ़ी कुछ हैं, ये वीडियो है उसके बारे में, ट्यूटोरियल्स है, ये सब आप चेक कर लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऐप है, जो कि आप सभी को, अगर बच्चे की पढ़ाई और बच्चे के मोबाइल टाइम को रोकना है और टाइम को कंट्रोल करना है, तो आपको ये एप्लीकेशन ज़रूर से ज़रूर यूज़ करना चाहिए। क्योंकि इस एप्लीकेशन के थ्रू मैंने तो थोड़ा बहुत कंट्रोल किया ही। इस वीडियो में अगर आपको स्क्रीन से कुछ समझ में ना आए, छोटा दिखे, तो आप जूम इन जूम आउट करके स्टॉप करके एक बार उसको देख सकते हैं, ताकि आपको ये क्लैरिटी दिखे, क्योंकि ये स्क्रीन छोटा है, शायद आपको ना दिखे। जैसे कई बार, एक बार मेरा लोकेशन काम नहीं कर रहा था मोबाइल का, तो मैंने कंप्लेन किया, पता नहीं अभी आतवाद पूरा लोकेशन भी काम करने लग गया, हायर एक्यूरेसी दिखाता है। मैंने अगर नहीं दिखा रहा तो मैं ट्राई अगेन करूँगा, तो पूरा प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ दिखाएगा 5 मिनट या 3 मिनट या 2 मिनट पहले मोबाइल की लोकेशन क्या थी। तो आपके लिए ये एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है, हो सके तो यूज़ कीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी जानकारी वाली वीडियो मैं बनाता रहूँगा। एज अ पेरेंट्स, आप जितना कर सकते हैं उतना कीजिए, और ये आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा, ये मैं जानता हूँ। बाकी आपके ऊपर है, हो सके तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि लोगों को बेनिफिट मिल सके। तब तक के लिए चाओ। Are you listening? Damn. Yeah.